हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ पर आए हैं। तो हम आए हैं हल्दी सेरेमनी में। तो आज मैं यही का व्लॉग आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग को पूरा एंड तक देखिए, बहुत ही अच्छे रिचुअल्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस, जो नए व्यूवर्स है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करना ना भूले। तो ये है यहाँ का डेकोरेशन, आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पर हो गई है हल्दी लगानी स्टार्ट। तो ये है हमारी ब्राइड और काफ़ी सुंदर सा इन्होंने मेकअप भी किया था। तो गाइज, ये है ब्राइड और हल्दी लगानी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये है मौसी जी जो फर्स्ट हल्दी लगा रही हैं। तो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ताकि, क्योंकि मैं वहाँ पर तो वॉइस ओवर कर नहीं सकती थी, तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फेस पर और हाथों पर और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर हल्दी लगाते हैं। तो दुल्हन को बहुत ही अच्छे तरीके से हल्दी को चढ़ाते हुए हमें लगाना पड़ता है। तो हम वैसे ही हल्दी लगा रहे हैं गाइस। तो गाइस, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि आपको यहाँ पर मज़ा आया। तो गाइस, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड साउंड थोड़ा सा ही रखूंगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हल्दी लगाई जाती है। और वहाँ पर आजू बाजू में जो बैठे हैं वो उनके मम्मी पापा हैं, उनको भी हल्दी लगाई जाती है। हमारी इसमें ऐसा होता है कि ब्राइड के साथ में उनके मदर और फादर को भी हल्दी लगाई जाती है। तो सबसे पहले ब्राइड को लगाई जाती है और उसके बाद में मम्मी पापा को भी। तो ये हमारे नेबर है तो हम लोग इसलिए वहाँ पर हल्दी के लिए गए थे। हल्दी हॉल में थी और काफ़ी अच्छा सा इन्होंने डेकोरेशन किया था। और दोपहर के टाइम पर हल्दी लगाई गई थी तो काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम हुआ था और काफ़ी ज़्यादा लोग भी नहीं थे। अभी कोरोना के चलते तो काफ़ी लोग आ ही नहीं सकते थे। तो अराउंड 100 लोगों में हल्दी का ये कार्यक्रम, हल्दी सेरेमनी ये हुआ है। तो गाइज, वहाँ से फोटोग्राफर फोटोशूट भी कर रहे थे सभी का। तो इस तरीके से वहाँ पर हमारे इसमें हल्दी लगाई जाती है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी हल्दी लगानी पसंद है। तो इस तरीके से ब्राइड जो है वो सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती है। तो आ गई है अब हमारी सासू माँ जी, वो हल्दी लगाना स्टार्ट कर रही हैं। आप देख सकते हैं वो ब्राइड को हाथों से स्टार्ट किया है और पहले उन्होंने हाथों पर हल्दी लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हल्दी लगाई जा रही है। तो ये रिचुअल हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। हॉल में था इसलिए डीजे वगैरह कुछ नहीं लगाया था, नहीं तो हमारे यहाँ पे हर फंक्शन में डीजे होता ही है और खास करके हल्दी सेरेमनी में। सो गाइज, यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा मस्ती भी की है और यहाँ पर मैं फोटोशूट कर रही हूँ इन सभी बहनों का। और काफ़ी मस्ती की है हमने यहाँ पर एक दूसरे को, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मल मल के हमने हल्दी लगाई है और बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है। सो गाइज, आप देख सकते हैं वो जो मौसी जी है वो काफ़ी अच्छे से सबों को प्रगति हल्दी ला करके सबों को उन्होंने हल्दी लगाई है और काफ़ी मज़े किए हैं। और मैं बताती हूँ कि मैं कैसे दिख रही थी, पूरी भूत लग रही थी मैं हल्दी लगाने के बाद। मैंने ये एक शॉट ले लिया है, मेरा ब्लाउज बिल्कुल भी मैचिंग नहीं है ये मुझे पता है। सो गाइज, मैंने हल्दी लगा ली थी।
और सबों ने मिलकर मुझे भी हल्दी लगा ली है। तो मैंने ब्राइड के साथ में इन लोगों की फ़ोटोज़ भी क्लिक की हैं और काफ़ी सुंदर सुंदर से फ़ोटोज़ हमने यहाँ पर क्लिक भी किए हैं। तो ये हैं ब्राइड की सभी बुआ लोग, तो यहाँ पर काफ़ी मज़े किए हैं हम लोगों ने। और ब्राइड देख सकते हैं हल्दी लगाने के बाद बहुत ही बेकार लगते हैं, पर शादी के दिन पे हल्दी का रंग बहुत ही सुंदर सा चढ़ता है। सो गाइस, अब हल्दी का कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है और अब हम चल रहे हैं खाना खाने के लिए। तो ये है खाने का अरेंजमेंट, आप देख सकते हैं लोग काफ़ी कम हैं और काफ़ी अच्छा खाना यहाँ पर बना हुआ था और काफ़ी अच्छे अच्छे मेन्यू भी था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हॉल कुछ हमने मतलब ब्राइड के घर वालों ने किया था और काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने किया था। तो फिर हम घर पर आ चुके हैं। सो गाइज, अब हल्दी से हम लोग घर पर वापस आ चुके हैं, हल्दी लग गई है, ब्राइड जो थी उनको भी हल्दी लग चुकी है और हम भी घर पर आ चुके हैं। तो मेरे फेस पर हल्दी लगी है, मुझे ये साफ करनी है। तो सो गाइज, ये है वेडिंग का। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर एंट्री शूट की है और काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर एंट्री की है। अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे थे, सेम हॉल में ही शादी हुई है और आप देख सकते हैं ब्राइड का जो लहंगा है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है, उसका कलर बहुत ही सुंदर लगा मुझे, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लहंगा पसंद आया है। सो गाइज, बहुत ही सुंदर तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर एंट्री की है और दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों ब्राइड और ग्रूम बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ब्राइड भी काफ़ी सुंदर लग रही थी, उनका मेकअप सब बहुत ही अच्छा हुआ था। तो इस तरीके से कुछ वो डांस करते हुए कुछ एंट्री ले रहे हैं और बाजू में बहुत ही अच्छा सा फॉगी कुछ लगा रखा है और बहुत ही अच्छे से वहाँ पर एंट्री हुई। सो गाइज, अब मैं व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करने वाली हूँ। आपको व्लॉग कैसा लगा है वो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए और नए व्यूवर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करना ना भूले गाइज। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको व्लॉग कैसा लगा और व्लॉग को ढेर सारे लाइक कीजिए और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बी हेल्दी, बी सेफ एंड बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।